इंदौर के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी बीएल सेतिया के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि इंदौर जिले के सभी शासकीय अस्पतालों में शवों का पोस्टमार्टम सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक किया जाएगा। पूर्व के नियमों के अनुसार यह सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हुआ करता था, जबकि नियम यह है कि दिन के उजाले में ही पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थिति में पोस्टमार्टम को रात को 8 बजे तक भी करने की अनुमति दे दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी बीएस सेतिया ने बताया कि पोस्टमार्टम के नियम तो दिन के उजाले में करने का है, किंतु पिछले दिनों कुछ घटना ऐसी घटित की कि विशेष परिस्थितियों में पोस्टमार्टम को रात को 8 बजे भी कराना जरूरी समझा गया है। इस संदर्भ में जिले के सभी हॉस्पिटलों को आदेश जारी कर दिया गया है। देर रात का ये रहता है कि इनकेस अगर प्रॉपर लाइट में ही करना रहता है, पोस्टमार्टम का मतलब ये है कि अगर सुबह 8 बजे से लेकर 8 रात को अगर 7-8 बजे अगर दिन जैसे लंबा रहता है उस समय, ये तो मौसम के अनुसार है कि अगर आपका 7-7:30 बजे है और प्रॉपर लाइट है तो वहाँ पर करें, और अगर शाम को भी करना है तो विशेष परिस्थितियों में विशेष आदेश जिला प्रशासन या हाई कोर्ट से जैसे भी कहीं आदेश होते हैं तो उनके आदेश के अनुसार ही रात में पोस्टमार्टम किए जा सकते हैं, अदरवाइज आपको 5-6 बजे के बाद आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। पहले क्या टाइमिंग था सर? पहले भी टाइम यही था, मगर ये है कि 7-8 बजे प्रॉपर लाइट अगर रहता है, गर्मी के दिन रहते हैं, लंबे टाइम दिन रहते हैं, उस समय ऐसे किया जा सकता है। आपका नाम? मैं डॉक्टर बी एस सत्या, CMHO इंदौर। थैंक यू सर।